बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोबिज वर्ल्ड न्यूज के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तानी खुबरो अदाकारा हिबा बुखारी को सोशल मीडिया पर सीनियर अदाकारा लैला वास्ती का हमशक्ल करार दे दिया गया है। हाल ही में लक्स स्टाइल अवार्ड में बतौर बेहतरीन अदाकारा नामजद होने वाली अदाकारा हिबा बुखारी ने पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत कम अरसे में अपना नाम बनाया है। हिबा बुखारी का तकरीबन हर ड्रामा ही शायकीन के दिलों को भाता है। यही वजह है कि हिबा बुखारी की शोहरत और सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग में भी दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। हिबा बुखारी से मुतलिक सोशल मीडिया पर इस वक्त एक पोस्ट वायरल है, जिसमें उन्हें खुबरो सीनियर अदाकारा लैला वास्ती की हमशक्ल करार दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में हिबा बुखारी और लैला वास्ती की तस्वीरों को कोलाज में शेयर किया गया है, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों अदाकाराएं एक दूसरे के साथ कितनी मुशाबहत रखती हैं। सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर मदाहों की जानिब से हिबा बुखारी और लैला वास्ती में बेतहाशा मुशाबहत पाए जाने पर हैरानगी का इजहार किया जा रहा है। दोस्तों, ख्याल रहे कि मरूफ अदाकारा हिबा बुखारी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी आमद और जिंदगी के साथी के बारे में दिलचस्प बातें बताई थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने घर वालों को बहुत दलाइल देकर मनाया। तफसीलात के मुताबिक मरूफ अदाकारा हिबा बुखारी ने एआरवाई न्यूज़ के प्रोग्राम शाने सोर में मेज़बान निदा यासी से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उन्हें ड्रामा इंडस्ट्री में आने के लिए घर वालों को बहुत मुश्किल से मनाना पड़ा। हिबा ने बताया कि वो अपनी वालदा के साथ हुसैना मोइन से मिली थी और उन्हें देखकर हुसैना मोइन ने कहा कि वो ऐसी लड़की 4 साल से ढूंढ रही थी। इसके बाद हिबा ने अपने वालिद को मुख्तलिफ दलाइल देकर मनाया और बिलआखिर इंडस्ट्री में कदम रख दिया। हिबा का कहना था कि उनकी वालदा चाहती थी कि वो स्क्रीन पर कम नजर आए, लेकिन उनकी नानी ने देखकर कहा कि स्क्रीन पर इतना कम क्यों आती हो, ज्यादा नजर आया करो, जिसके बाद नानी ने ही वालदा को मनाया। हिबा ने बताया कि उनके इस कदर रिश्ते आते थे कि उन्हें अब उसकी आदत हो चुकी थी। उनका पहला रिश्ता उस वक्त आया था जब वो 6ठी क्लास में थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी के साथी के बारे में कुछ नहीं सोचा, ये अल्लाह की तरफ से होता है और वो जब और जैसा चाहता है वैसा ही होता है। हिबा के ख्याल में जो शख्स अपने खानदान से करीब होगा वो शोहर भी अच्छा साबित होगा, लिहाजा उन्हें ऐसा ही शख्स चाहिए। दोस्तों, याद रहे कि 2015 में ड्रामा छोटी सी जिंदगी से बतौर मावन अदाकारा डेब्यू करने वाली हिबा बुखारी अपने फनी कैरियर में अब तक तेरी मेरी जोड़ी, थोड़ी सी वफा, भोली बानो, हारा दिल सिलसिले जैसे सुपरहिट ड्रामों में मरकजी किरदार अदा कर चुकी हैं। वीडियो के आखिर में एक बार फिर से शोबिज वर्ल्ड न्यूज़ के नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें। शुक्रिया।